हेडिंग दे दीजिए मानसून। इतना तक में समान तथ्य तुमको पता चल गया। मानसून में हम लोग क्या क्या चीज का प्रयोग करते हैं? 16 सूचकांक का प्रयोग करते हैं, वो सूचकांक क्लियर हो गया। भारत में सर्वाधिक ठंडा प्लेस कौन सा है, वो क्लियर हो गया। भारत में सर्वाधिक गर्म प्लेस कौन सा है, वो दिखाई दे दिया। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गर्म कब होता है, वो दिखाई दे दिया। उत्तर भारत में गर्म कब होता है, दिखाई दे दिया। तापक्रम कब निकाला जाता है, उष्मा कब निकाला जाता है, और ठंडा का क्षेत्र कब निकाला जाता है, वो सभी चीज हम लोग देख लिए। अंडमान निकोबार में वर्ष भर क्या होता है, वर्षा होता है। क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया। अब इनमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो अब यहाँ देखो, पहले तो ऊपर हेडिंग ही दे दिए, क्या चीज, मानसून, ठीक है, दे दिया ना। मानसून क्या होता है कि देखो, इसको सिंपली भाषा में हम लोग बोलेंगे, बाबू तुम लोग ना मेरे पास जो आया आया तो कैसे आया, फर्स्ट सीरीज से इंटर किया, फिर आया, है ना। अब बोलेंगे कि तुम जाओ, तो जाता है तो कैसे जाता, जिधर से आया है उधर से ही ना जाएगा, है? हाँ ना, तो बोलो। और दूसरा रास्ता भी है, नहीं ना? मानसून किसको कहेंगे? यहाँ देखो, एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि, फिक्स टाइमिंग, हवाओं का प्रत्यावर्तन, हवाओं का प्रत्यावर्तन। अब ये वर्ड आ गया मेरे पास, क्या चीज, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब क्या होता है कि जिधर से हवा जाएगा और जिधर से ही हवा आएगा। क्लियर है, ये दिमाग में सेट हो गया। मानसून किसको बोलेंगे? एक निश्चित समय अवधि में हवाओं का प्रत्यावर्तन क्या कहलाएगा, तो मानसून कहलाएगा। दिमाग में सेट हो गया, कोई दिक्कत है? पहला बात, अच्छा, हवा का ना खास बात ये है, ये 6 महीना ना, 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर चलता है। हवा का खास बात क्या है, 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर चलता है, और 6 महीना जो है स्थल से समुद्र की ओर चलता है। ये क्या है बाबू? हवा। क्या है? हवा। क्लियर हो गया, 6 महीना हवा किधर से किधर चलेगा, समुद्र से स्थल की ओर चलेगा। अब यदि स्थल से समुद्र की ओर जा रहा है तो ये कोई काम नहीं करता, स्थल से अगर समुद्र की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन समुद्र से वो जब स्थल की ओर आए भाषा तो बहुत चीज वो करेगा। क्या क्या करेगा? नंबर वन, यहाँ से वो क्या करता है, अपने साथ वो आर्द्रता ले लेता है ना। हवा चला तो यहाँ से वो क्या ले लिया, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, और हिंदी में बोलते हैं वाष्पी, है ना। बात समझ में आ, वाष्पीकरण। और ये वाष्पीकरण क्या करेगा, आगे चल करके बादल बना देगा। क्या बना देगा? बादल बना देगा। क्लियर है बाबू? और यही बादल क्या कर देगा, वर्षा। कोई दिक्कत है? दिमाग में सेट हो गया। जब भी समुद्र से स्थल की ओर हवा चलेगी वह निम्न काम करेगी, एक आद्रता अपने साथ ले लेगा, आद्रता से वो बादल बना देगा, और बादल से वो क्या कर देगा, दो बात, भूसा। दिमाग में सेट हो गया। तीसरा नियम ये कहता है कि हमारे यहाँ ना सूरज जो होता है, ये हमारे यहाँ क्या है बाबू, ये है मेरा ऊपर, ये कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा मतलब है। हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि जून महीने में सूरज का लंबवत किरण यहाँ रहता है। जून में कहाँ रहता है? लंबवत किरण यहाँ। जून में सूरज कहाँ है बाबू? जून में सूरज कहाँ है? कर्क रेखा, है ना, उसमें इंडिया भी है, स्पेशल इंडिया आएंगे बाबू, चिंता ना करो,
ठीक है ना। अभी जून महीने में कहाँ रहेगा, तीन महीने बाद पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी, ठीक है, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, नर्मदा। ये जून का महीना है ना, तीन महीना जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ सितंबर में फिर सूरज कहाँ आ गया बाबू मेरा, ठीक है ना, सितंबर में तीन महीना और जो दिसंबर में यहाँ चले आए कहा मकर रेखा, फिर कहा चले गए हम लोग तीन महीना बाद, है ना, मार्च महीने, तीन तीन महीने का अंतराल है। यस, मतलब 21 जून को यहाँ रहता है, ठीक है ना, 22 सितंबर को यहाँ रहता है, 25 दिसंबर को यहाँ रहता है और 21 मार्च को यहाँ, वही 22-23 सितंबर एपीहेलियन पेरिहेलियन होता है वो बताएंगे, 22 मतलब ये 21 जून का घटना है, क्या है, सूरज कहाँ है बाबू, कर्क रेखा, लंबवत यहाँ है, लंबवत कहाँ है, यहाँ है, तो ये इसका ना छाई जो है परछाई यहाँ तक जाएगा विषुवत रेखा और यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगा, इसलिए ये प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये प्रदेश हमारा क्या होगा, हाँ ठंडा गर्म दोनों, और ये वाला मेरा क्या होगा गर्म। तो दिमाग में सेट रखिएगा, जहाँ सूर्य का रोशनी रहेगा वहां का तापमान अधिक रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, इसीलिए हमेशा गर्मी रहता, हाँ विषुवत रेखा, ठीक है ना, तापमान जहाँ सूरज रहेगा वहां तक क्या रहेगा, तापमान टेम्परेचर अधिक, लेकिन प्रेशर कम रहेगा, है ना, दाब जो बनेगा वॉल्यूम वो क्या बन जाएगा, कम बनेगा, दाब क्या बन जाएगा, तो टेम्परेचर अधिक हो गया और दाब कम हो गया, प्रेशर उसका आयतन एक एरिया होता है वॉल्यूम, ठीक है ना, दिमाग में सेट, जहां सूरज रहेगा वहां का तापमान क्या होगा, अधिक होगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दिमाग में सेट हुआ, तीन चीजें सेट हुई बाबू, पहला हमने सेट आपके दिमाग में क्या किया, एक निश्चित समय अवधि में हवाओं का प्रत्यावर्तन क्या कहलाएगा, निश्चित समय अवधि है बाबू, तीन तीन महीना का खेला हो रहा है, क्लियर है, दूसरा जिधर से हवा जाएगा उधर ही जाएगा, और हवा छह महीना स्थल से समुद्र की ओर जाता है और छह महीना समुद्र से स्थल की ओर जाता है, ठीक है ना, स्थल से समुद्र की ओर जाता है तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन समुद्र से स्थल की ओर आता है तो वो अपने साथ क्या करता है, ह्यूमिडिटी लेकर के आता है, आर्द्रता लेकर के आया, आर्द्रता के साथ वो क्या लेकर के आया, बादल बनाया, बादल से वो वर्षा कर दिया, फिर नेक्स्ट नियम हम ये बताए कि जहां सूरज रहेगा वहां का तापमान अधिक रहेगा लेकिन दाब क्या होगा, प्रेशर, इसको एग्जैक्टली हम कैसे बोल सकते, जैसे प्रेशर का डेफिनेशन बता, तापमान समझते हैं क्या, अच्छे बात इंग्लिश बोल दी, जहाँ का तापमान मतलब होता है कि जो हमको एक तरीके से हीटिंग प्रोड्यूस करे, हीटिंग महसूस, उसी तरीके से होता है कि ये एरिया मेरा कितना दूर तक होगा आयतन, ठीक है ना, तो जहां मेरा सूरज रहेगा वहां का तापमान तो अधिक होगा लेकिन दाब क्या होगा, वहां कम बनता है, जो ठंडा एरिया होता है वहां का प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा रहता है, यही चीज को हमको दिमाग में सेट करना है, यही चीज को क्या करना है, सेट करना है दिमाग में, सेट रखना है कि जहां सूरज रहेगा वहां का प्रेशर हाई रहेगा और दाब क्या होगा, कम होगा, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, देखो जहां सूरज है यहां, जहां सूरज है तो यहां का तापमान अधिक हो गया बाबू, अब प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, जहां सूरज है, ए इधर ध्यान दो, जहां सूरज है, जहां सूरज नहीं है तो यहां क्या हो गया, हाई प्रेशर, टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, अब प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, क्लियर है, अरे अमिता क्लियर है, अब नेक्स्ट नियम ये है, नेक्स्ट नियम ये है कि हवा जब भी चलेगी तो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर। नेक्स्ट नियम क्या है कि हवा का एकदम ये एकदम घटना है कि हवा जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर है? अभी मान लो कि ये हवा चल रहा है मेरे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या बना? लो प्रेशर बना। और हवा जहां भी बनी होगी तो वहां हाई प्रेशर। हवा जब भी चलेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाँ, अभी इसके बाद मानसून में एंट्री करवा रहे पर क्यूबिक। क्लियर है? ए बाबू, चार चीज दिमाग में सेट हो लो। yes, पहला सेट क्या हो गया कि जहाँ सूरज रहेगा वहाँ का तापमान अधिक रहेगा सर, और प्रेशर क्या रहेगा? लो प्रेशर। क्लियर है? फिर हमने क्या बोला कि फेरल महोदय कहते हैं कि हवा जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। कोई दिक्कत है? दिमाग में सेट हो गया? हाँ, हुआ। ठीक है, सूरज कब कब कहाँ रहेगा तो तुमको पता है 21 जून को हमारे पास कहाँ रहेगा? कर्क रेखा पे। अभी मान लो तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मई चल रहा है। अब तुम ही लोग बताओ मई महीना में सूरज कहाँ रहेगा? मतलब कर्क रेखा में हम लोग तो नहीं पहुंचे हैं एग्जैक्ट, लेकिन कर्क रेखा से नीचे आ गए हैं अर्थात दक्षिण भारत। और वहाँ लास्ट लाइन देखिए, हम आपको क्या बोले हैं, अप्रैल महीने में दक्षिण भारत में सर्वाधिक तापमान होता है। तो इसका मतलब है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अभी सूरज आ गया है। yes, और लंबत रूप से 21 जून को आएगा कर्क रेखा पे। yes, कर्क रेखा पे 8 राज्य। yes, yes, ना बताइए। yes, yes, क्लियर है ना? yes, बोलो बाबू, बोलो ना। इतना दिमाग में सेट हो गया? स्टार डाल करके इन सभी बातों को लिखिए। ये चीज यदि समझ गए बाबू तो मानसून आसान हो जाएगा, नहीं तो मानसून को रटियोग मतलब समझते हो ना, रट भी नहीं होगा, रट करके भी नहीं होगा। अभी ये जब बताएंगे ना बाबू ये लाइन है ना, सब किधर किधर उंगली चल गया हमको भी ना पता। ये बता ये जितना भी बात बताए है ना, ये सभी को आप लोग बेकार है ना, समझाए लिखा है जैसे पानी बाबू। अभी हम लोग यही सब देखेंगे किधर का, ये सभी चीज तभी समझ में आएगा जब तुमको एक लाइन में हम बोलेंगे कि अभी सूरज कहाँ है, तो तुम लोग खुद ही बता देगा कि सर हमारे पास कब वर्षा होगा, कब वर्षा नहीं होगा, अभी कौन सा वर्षा हो रहा है। ठीक है ना? अभी जो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग हमारे यहाँ चार तरीके का मानसून, एक शीत ऋतु हो गया, इसी मानसून से हमारा ऋतु में आ जाएंगे। ठीक है ना? शीत ऋतु हो गया ठंडा, है ना, ठंडा का महीना हो गया ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाला, और वर्षा ऋतु। ठीक है ना? और उसके बाद होता है पतझड़, या उसको बोलते हैं लौटती मानसून। ठीक है ना? तो शीत ऋतु में भी हमारे भारत में वर्षा होती है ठंडा काल में, लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, लेकिन वहाँ क्यों होगा, कैसे होगा, ये चीज हमको जानना। हम लोग स्पेशल बोलेंगे आम्र वर्षा, पहले इधर ध्यान दो, आम्र वर्षा, काल बैसाखी है ना, ये सभी आम के लिए ये वर्षा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आम वर्षा। सब बताएंगे चिंता, लेकिन घटना तो ये देखना होगा ना। ठीक है ना? वाला ये बात,
लिख लीजिए। वह मौसमी दशा क्या, जैसे तुम लोग सर अभी आंधी आया होगा तो कपड़ा उठाने गई। सही सही तुम लोग गलती से यदि यूपीएससी इंटरव्यू में जिस दिन पहुंच जाएगा उसे सवाल ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं करेगा, पूछेगा तुम कहां से आए। पृथ्वी परिधीय क्षेत्र में अगर हाँ पृथ्वी परिधीय क्षेत्र में परिधि पृथ्वी परिधीय क्षेत्र में क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत रूप से लंबवत डायरेक्ट लंबवत रूप से 21 जून ब्रैकेट में दे दीजिएगा कर्क रेखा लंबवत रूप से 21 22 सितंबर विषुवत रेखा 25 दिसंबर मकर रेखा 21 मार्च विषुवत रेखा यहाँ लिखे हैं वो ये 3-3 महीना का क्षेत्र होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है घूमती है सूरज नहीं घूमती है सूरज तो वही है ठीक है ना 24 डिग्री झुक गई सर 23.5 से 24 हो गई अच्छा 23.5 से 24 हो गया धीरे धीरे पूरा चले आगे बढ़े चलो अब यहाँ पे नियम जहाँ देखिए यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया ना जहाँ सूरज लंबवत रूप से रहती है जहाँ सूर्य की किरणें अपने मन से दिखा रहे हैं जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत रूप से होगी वहां का तापमान अधिक होगा जहां सूर्य की किरणें लंबवत रूप से होगी वहां का तापमान अधिक होगा और दाब निम्न होगी तो सर इस हिसाब से दक्षिणी अमेरिका में भी सर तब गर्मी का आरोप बिल्कुल ये सबसे पहले हमारे पास यही नियम आएगा ठीक है ना चले हो गया बाबू आगे क्या लिख लो निम्न होगी क्लियर है फिर आगे कौन कौन फिर आगे स्टैंडर्ड हवा जब भी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जब भी चलती है तो हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की। क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया सर? इसका वजह क्या है सर? वजह क्या है? ये फेरल लॉ का नियम है कि इसलिए कि हवा हवा का ये डायरेक्शन हो हवा का डायरेक्शन कि जैसे तुम आया तो वैसे मिल जाएगा। हवा जब भी खोजेगा तो वो लो प्रेशर कि हम किधर लो प्रेशर मिल रहा है कि हम उधर ही जाएंगे। हाई टू हाई नहीं जाएगा, लो टू लो नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो हाई से लो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इतना तक दिमाग में सेट हो गया? फिर नेक्स्ट, हवा छह महीने, छह महीने, छह महीने समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, छह महीने स्थल से समुद्र, छह महीने से समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र स्थल से जो समुद्र की ओर जाता है उसी में डेल्टा वेल्टा बनाता है। डेल्टा का यहाँ की करेगा डेल्टा हवा बादल 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 समुद्र की ओर जो अगर जाता है तो कोई उसका कुछ नहीं है, कुछ लेकर नहीं जाता है, वहाँ धूल सब आएगा फास्फोरस के कारण। चलो अब बाबू यहाँ तक हो गया ना, अब ऊपर में हमारा भारतीय मानसून है। अब स्पेशल हमारा क्या है? भारतीय मानसून। और भारत में हम लोग मानसून देखते हैं तो यहाँ देखिए, तो हमारे यहाँ ना एक पहला तुमको ना उसी के अनुसार शीत ऋतु मिल गया। क्या मिला? शीत ऋतु। यस, शीत ऋतु। शीत ऋतु आपका कब से कब हो गया? 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक हो गया। एक एवरेज लिए हैं बाबू, हो सकता है बीसों तक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल इंडिया का, हाँ स्पेशल, ये इस आधार पे तुम किसी का भी निकाल सकता है, लेकिन स्पेशल हम लोग देख रहे हैं किसका? इंडिया। शीत ऋतु हो गया, उसके बाद हमारा हो गया ग्रीष्म ऋतु। क्या आ गया? ग्रीष्म ऋतु। इसका समय बाबू 15 मार्च से 15 जून, 15 मार्च से 15 जून। उसके बाद वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक, और फिर लौटती या पहला 15 सितंबर से 15 दिसंबर। देखो 15 दिसंबर से स्टार्ट किए थे, 15 दिसंबर में खत्म हो गया। लौटती या पतझड़, लौटती मानसून या पतझड़, 15 सितंबर से 15 दिसंबर। इसमें क्या होता है? अब यह मानसून जो मेरे पास आया था ना वो लौटे है ना, जब जाएगा तो वो हमारे यहाँ वर्षा नहीं करेगा। बता रहे, रुको, वर्षा करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, बता। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया? थोड़ा सा अभी हम बता दे रहे हैं एक वाला, तुम लोग खुद समझो बाबू, इसको हम मिटाते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यदि दिमाग में सेट हो गया होगा तो खुद तुम लोग बता देगा। बाबू ये शीत ऋतु में हम लोग देखते हैं, शीत ऋतु हमारा समय कब से कब है? 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु कब है बाबू? 15 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु कहाँ है? 15 जून से 15 सितंबर। और लौटती कब हो गया? 15 सितंबर से 15 दिसंबर।
ठीक है। अभी हम लोग स्पेशल इंडिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं, किसको बाबू? इंडिया का मानसून, ठीक है, ये इंडिया है बाबू। अब तुम लोग बताओ, यदि हम लोग शीत ऋतु की बात कर रहे हैं तो शीत ऋतु में सूरज कहाँ है? पूरा बता रहे, सूरज कहाँ है? कितना आदमी बोल रहा है कि सूरज यहाँ होगा? सूरज कहाँ होगा? अभी सबसे नीचे शीत ऋतु में कहाँ होगा? दिसंबर महीना बोले थे ना, 25 दिसंबर, तो सूरज हमारा यहाँ रहेगा, ये सूरज मकर रेखा, ये बात रहेगा बाबू। अच्छा, सूरज यहाँ रहेगा तो आप ही लोग बताइए यहाँ का तापमान कैसा होगा? निम्न होगा। तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। तापमान क्या होगा? अधिक होगा। और प्रेशर कैसा रहेगा? लो प्रेशर, ठीक है। ऊपर जितना जाएंगे तब क्या बना? हाई प्रेशर। विषुवत रेखा पे क्या बना? हाई प्रेशर। यहाँ क्या बना? और हवा जब भी चलेगा तो हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की कोई दिक्कत है बाबू? तो हमारे यहाँ भारत में वर्षा नहीं होती, हमारे यहाँ भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे याद कीजिए हमारे यहाँ हिमालय क्या है? हिमालय, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर बना है हम मानते हैं सर, लेकिन जानते हैं सर हमारे यहाँ ना हिमालय है और बहुत ऊंचाई पर स्थित, और अधिक ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? तापमान घट जाता है सर, 165 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाते हैं ना, तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। मतलब अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान घट जाएगा, जैसे ही तापमान घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, हो आना तो बोलिए, ठीक है। यहाँ ये चीज ये दिमाग में सेट हो गया, तो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? लो प्रेशर, क्या हो गया? लो प्रेशर सब जगह, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर सब जगह, लेकिन जहाँ हिमालय था वहां पे आपको क्या बन गया? लो प्रेशर। और ये वाला हमारा जो है ये हमारा भूमध्य सागर का एरिया है, क्या है बाबू? ये इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब बोलो बाबू, हवा जब भी चलेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर क्या है आपको? हाई टू हाई नहीं ना जाएगा हवा, इधर भी नहीं ना जाएगा, लो उसको कहां मिला? इंडिया में मिला है ना, यहां से वो चलने लगा, यहां से ये हवा उठा, ठीक है, उठा चला है ना, ये हवा चल, जैसे ही यहाँ आया तो उसको क्या मिल गया? हिमालय, हिमालय मिल गया। ये हिमालय जो है ना हवा को चीन तरफ जाने ही नहीं दिया है ना, हिमालय से जैसे ही टकराया ये वाला क्षेत्र में ना बरसात कर दिया है ना, किधर बाबू? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल क्षेत्र में बरसात कर दिया, जब जेके एलके और एचपी में ये बरसात कर दिया, और ये बरसात किया तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, शेर के लिए, गुण के लिए, अखरोट के लिए, अब फल दे दो ना, इस एरिया में जितना भी वर्षा होता है सब सब भूमध्य सागर के कारण, ठीक है। अब यहाँ फिर जो ये जो हमारे पास चला तो अब बोलो तो बाबू ये भूमध्य सागर है कहाँ? भारत के अनुसार जाएगा तो पश्चिम दिखाई दिया है ना, अब इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमोत्तर मानसून, पश्चिमोत्तर मानसून मतलब पश्चिम से ये उत्तर की ओर चला, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? पश्चिमोत्तर। तो भारत शीत ऋतु में कौन सा मानसून कारगर सिद्ध होता है? तो पश्चिमोत्तर मानसून। ये पश्चिमोत्तर मानसून कहाँ से वर्षा लेगा? भूमध्य सागर में क्या बना था? हाई प्रेशर बना था, हिमालय के उपस्थिति के कारण यहाँ क्या बन गया था? लो प्रेशर, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया, अब जैसे ही गया तो हिमालय उसको रोक दिया, बोला ये हवा कहीं मत जाओ, और जम्मू कश्मीर में बरसात कर दो, जम्मू कश्मीर लद्दाख सबके क्षेत्र में बरसात कर दिया, और भारत के कहीं पर भी बरसात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? इसको ये भी हम लोग बोलते हैं, और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ भी आप लिख सकते, विक्षोभ मतलब क्या हो गया? हवा पश्चिम से आ रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के
कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। क्लियर, दिमाग में सेट हुआ? यदि हम तुमको बोलेंगे कि ठंडा महीने में भारत में यूपी में वर्षा होगी, नहीं होगी, कहां वर्षा होगा? ठीक है ना, यदि मान लो ठंडा में हमारे यहाँ बारिश हो गया तो तुम रोक लेती क्या? तो हमारे यहाँ कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। यदि यहाँ आ गया तो वो समझ जाना, अभी तुम लोग सुनता होगा ये हवा ना अभी झारखंड पहुंच गया है ना, अब ये धीरे धीरे ना बिहार आ जाएगा। तो हवा अपने गति से क्या करता है, ऊपर के रास्ता। यदि ऐसा विकराल पश्चिमी विक्षोभ में आया तो उसी का असर हमारे यहाँ भी पड़ जाता है, जिसके कारण बिहार झारखंड में भी कभी कभी देखने के लिए बारिश मिलता है। क्लियर है ना? क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया? इतना को आप लिख लीजिए, अपने मन से लिख लीजिए। नहीं समझा क्या बाबू? यदि नहीं समझेगा तो फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 25 बार समझाएंगे, लेकिन दिमाग में सेट रखो, ये चीज जो है तुमको कोई किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर बोलिए, पश्चिमी विक्षोभ बोलिए। ठीक है ना, सूरज कहाँ है? मकर रेखा, मकर रेखा में है, तो वहाँ क्या बना? लो प्रेशर। और सब जगह हम लोग कहाँ है? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे एक सुनो, यहाँ पे ना एक तो काम क्या किया बाबू, यहाँ पे लो प्रेशर बनने के पीछे एक काम क्या है, हिमालय, एक काम क्या किया हिमालय, दूसरा काम करता है जेट स्ट्रीम, है ना, जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम कल बताएंगे, ये जेट स्ट्रीम का घिसकाव होता, ठीक है ना, ये मई जून में कर्क रेखा पे रहेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, जैसे जैसे जेट स्ट्रीम ऊपर जाएगा वहां का तापमान को वो लो करते चले जाएगा। बात समझ में आया ना? तो ये जेट स्ट्रीम भी एक इसमें भूमिका निभाता। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए लिखे लिखे, हम समझ गए हैं आप लोग को, लिख लीजिए। सुषमा को क्लियर हुआ? पश्चिमोत्तर बोलिए, पश्चिमी विक्षोभ बोलिए, या पश्चिमी पश्चिम के क्षेत्र से आने वाली हवा बोलिए। मेरा कहना है कि कोई भी अंदर से, किसी भी अंदर से क्वेश्चन पूछे तो आपका दिमाग का फलक खुल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु वाला नहीं देखेंगे, शीत ऋतु देख लिए, कल ग्रीष्म ऋतु दिखाएंगे, वर्षा ऋतु भी दिखाएंगे, अब परसों दिखाएंगे लड़ती, तब आपके दिमाग में जाते जाएगा। कल तो तुम लोग बोलो कौन बिछो में बोले गाना है, बिछुआ बिछुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण भूमध्य सागर से हवा चलने वाली हवा और ये निम्नताप हिमालय की उपस्थिति के कारण हिमालय की उपस्थिति के कारण और
जेट स्ट्रीम के कारण और जेट स्ट्रीम के कारण जेट स्ट्रीम के कारण यह जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में वर्षा के लिए सिद्ध होती है, वर्षा के लिए सिद्ध होती है और यह वर्षा फलों के उत्पादन में फलों के उत्पादन में कुछ कुछ इसका असर जो है पंजाब हरियाणा तक चल जाता है, धान के लिए भी आ जाता है। ठीक है, फल उत्पादन के लिए कारगर सिद्ध होती है। मेरे ख्याल से इतना तक सबको समझ में आया। कोई ऐसा बालक बालिका जिनको समझ में नहीं गया है तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। सिंपल समझ लेना है कि सिंपल इसमें ना फंडा यही समझना है कि हवा सर जब भी चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सर हाई प्रेशर कहाँ बनता है? तो हाई प्रेशर वहां बनता है जहां सूरज नहीं, जहां सूरज लंबवत रूप से नहीं, जहां सूरज लंबवत रूप से होगा वहां का क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। इसलिए कि तापमान अधिक लो कम, ठीक है ना, और जहां सूरज नहीं रहेगा वहां का तापमान कम प्रेशर का, क्लियर है? तो लो हाई प्रेशर बन गया, क्लियर है ना। और हवा सर जैसे भी चलती है, जब भी चलती है, जहां भी चलती है, तो हाई टू लो चलती है। वो हवा का गति निकाला जाता है, वो हवा का गति, हाँ वायु राशि। सुषमा गया क्या?